उम्मीदों वाला, क्योंकि यही आस है आज हर आम और खास की। तो अब से कुछ ही घंटे बाद देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और इस बजट से देश और प्रदेश के सभी नागरिकों की कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं। हरियाणा राज्य की भी केंद्रीय बजट से खास उम्मीदें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे आखिर हरियाणा केंद्रीय बजट से क्या चाहता है। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, बड़ी जानकारी इससे जुड़ी आ रही है। तो आज पेश होगा देश का आम बजट। जी हां, देश का आम बजट आज पेश होगा। चौथी बार बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण और 11 बजे सदन में पेश किया जाएगा बजट। मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होगा और आज बजट पेश होने जा रहा है। चौथी बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में, इस बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलकर आम और खास के लिए आता है, ये भी हर किसी की उम्मीदें यहां पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस बार के बजट बेहद खास भी होने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र पहले ही अपील कर चुके हैं विपक्ष से कि बजट सत्र जो है वो अच्छे से चले, यही अपील की गई है। तो 1 फरवरी को यानी कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। ऐसे में कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हरियाणा को बड़ी सौगातों की उम्मीद है। एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। ऐसे में कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हरियाणा को बड़ी सौगातों की उम्मीद है। वैसे केंद्र की अलग अलग योजनाओं में 2021 से 2025 तक हरियाणा को 63,280 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक में राज्य की प्राथमिकताएं बताने के साथ ब्याज मुक्त 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। हालांकि प्रदेशवासियों के साथ गठबंधन सरकार की निगाहें भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार उनके पिटारे से हरियाणा के लिए क्या निकलता है। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्रीय बजट में 5 लाख रुपए तक आयकर पूरी छूट मांगी है। गर्ग ने कहा है कि आयकर के स्लैब में भी बदलाव किया जाए। वही बात अगर पिछले साल की करें तो पिछले साल टैक्स प्रतिपूर्ति के हरियाणा को 7,880 करोड़ रुपए मिले थे। कुल बजट में प्रदेश की हिस्सेदारी केंद्र सरकार ने 1.093% तय की हुई है। पिछले सालों के मुकाबले ये पहले से ज्यादा है। हालांकि इससे पहले हरियाणा को 1.08% तक ही हिस्सा मिलता था। अगर टैक्स की हिस्सेदारी को देखा जाए तो हरियाणा का लगभग 8,000 करोड़ रुपए बनता है। वहीं हरियाणा में उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं उद्योगपतियों ने कच्चे माल की लागत कम करने, इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाने और ऑटो पार्ट्स में GST घटाने सहित कई उम्मीदें बजट से रखी हुई है। रॉ मटेरियल की लागत कम करने की मांग, इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग, ऑटो पार्ट्स में GST 18% करने की मांग, इंडिविजुअल टैक्स में छूट की मांग, 5 लाख रुपए तक आयकर में पूरी छूट मिले, बैंक लोन प्रक्रिया सरल करने की मांग, औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की मांग। उद्योगपतियों ने कहा है कि पिछले 2 साल से इंडस्ट्री चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कई सारे उद्योगपति अपनी इंडस्ट्रीज बेचना चाहते हैं, इसलिए सरकार जो इस बार बजट ला रही है उसमें इंडस्ट्रीज को लेकर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उद्योगपतियों ने कहा है कि इनकम टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज को राहत देने के लिए लोन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि उनको आसानी से लोन मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा में अलग अलग योजनाओं को लेकर 2021 से 2025 तक के लिए 63,280 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
जो आने वाले समय में हरियाणा को मिलने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश का आम बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटे जो हैं वो बाकी हैं। ऐसे में पूरा देश आम बजट को लेकर टकटकी लगाए बैठा है। ऐसे में हरियाणा को केंद्रीय बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो पूंजीगत व्यय, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में बदलाव हो, योजना में ब्याज माफी की व्यवस्था बनाई जाए, एफपीओ के लिए कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग की गई है, निर्यात के लिए सब्सिडी को निर्धारण की मांग की गई है, सब्सिडी बढ़ाने से उत्पादों को काफी मदद मिलेगी। और हमारे सहयोगी क्रांत हमारे साथ न्यूज रूम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्रांत, आज आम बजट पेश होने जा रहा है, जाहिर तौर पर उम्मीदें यहां पर देश की जनता को है कि इस बार आम और खास के लिए क्या कुछ इस बजट के पिटारे से निकलकर आने वाला है। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में भी देखा जाए तो हरियाणा के जो तमाम वर्ग हैं उन्हें भी काफी उम्मीदें हैं आज आने वाले बजट से। जी अंजलि, बिल्कुल निश्चित तौर पे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा को तो उम्मीदें ही है, साथ ही साथ आम जनता को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो कितने बजे वहां से निकलेंगे, कितने बजे पार्लियामेंट पहुंचेगी, एक बार हम अपने दर्शकों को वो जानकारी दे देते हैं अंजलि, फिर उसके बाद हम विस्तार से हरियाणा के लिए इस बजट में क्या खास होगा और आम जनता को क्या मिलेगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम अंजलि आपको ये बता दें कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो करीब 9 बजे अपने सरकारी आवास से निकलेंगे और वो फिर सीधा पार्लियामेंट पहुंचेगी वित्त मंत्रालय, वहां पर जो एमओएस है राज्य मंत्री उनके साथ वो चर्चा करेंगी और बजट को लेकर कुछ जो चर्चा होती है वो उस पर संदर्भ में चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन में निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के साथ चाय नाश्ता करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति बजट पर अप्रूवल देंगे और फिर जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधा राष्ट्रपति भवन से कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचेगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण की बैठक होगी और बजट पर अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद करीब करीब 10:30 बजे जो कैबिनेट की अहम बैठक है वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके सामने जो बजट की पूरी प्रक्रिया होती है उसको पेश किया जाएगा, किस तरीके से बजट रहने वाला है। और उसके बाद कैबिनेट की मोहर लगने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10:30 बजे के करीब वहां से निकलेंगी और उसके बाद पार्लियामेंट में कुछ ही जो करीब 11 बजे का समय हर बार की तरह तय किया जाता है, 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। और जिस तरीके से अंजलि आपने बात करी कि हरियाणा की, हरियाणा के लिए वाकई में ये बजट काफी खास है क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनकी तरफ से केंद्र सरकार से कई ऐसी मांगे हैं जो आम बजट में रखी गई है, चाहे जैसे कि हमने अभी जिक्र किया अपने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया था, वो चाहे राखी गढ़ी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से अलग बजट मांगा गया, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय उद्यान योजना है उसको लेकर जो कुछ नियम और बदलाव की मांग हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है, साथ ही साथ जो बजट हरियाणा सरकार को मिल रहा है उसमें कुछ अतिरिक्त राशि बढ़ाने की भी हरियाणा सरकार की तरफ से मांग की गई है। और साथ ही अंजलि हम आपको ये भी बता दें कि इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीद है क्योंकि जो कोरोना संकट की वजह से हमने देखा कि देश में काफी क्राइसिस हुए, अर्थव्यवस्था काफी डाउन रही है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सबसे बड़ी अहम चुनौती यही है कि किस तरीके से बजट को पेश किया जाए और जो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको कितनी तेजी के साथ बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो आम जनता है उनको अर्थव्यवस्था से काफी जो चीजें मिलती हैं, साथ ही साथ ये भी बताया कि अंजलि जो आम जनता है उनको यही रहता है कि जो छोटी मोटी चीजें जैसे महंगाई दर है आम जनता के लिए वो महत्वपूर्ण राहत रखती है, तो वो चाहते कि जैसे ही बजट पेश हो करीब अप्रैल के बाद जिस तरीके से चीजें लागू होती तो वो चाहते कि फौरी तौर पर उनको राहत मिले। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्रांत, और अगर यहाँ पर देखा जाए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए तो व्यवसाय पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, खासकर जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को अगर बात की जाए, जो छोटे उद्योगपति हैं उन्हें भी काफी उम्मीदें हैं कि कम से कम इस बार जो है छोटे उद्योगों को लेकर बजट में कुछ विशेष होगा, विशेष प्रावधान होगा।
जी बिल्कुल अंजलि, जो छोटे उद्योग वर्ग हैं उनको कोरोना संकट में काफ़ी जो देखा था कि हमने नुकसान देखने को मिला था, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो चाहे वो वीकेंड कर्फ्यू हो, छोटे उद्योग काफ़ी जो काम धंधे को लेके थे वो परेशान थे, उनको इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ अंजलि हम आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनकी तरफ से कल आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया था राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, और जिस तरीके से पूरा मतलब अगर हम देखें मोदी सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि भाई कि जो सरकारी योजना है उसका लाभ लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन आम बजट में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही उसमें किस तरीके का नया बदलाव किया जा सके और जनता को उसका सीधा फायदा राहत फौरी तौर पर कैसे पहुंचाया जा सके, ये बजट में महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी अंजलि। जाहिर तौर पर हालांकि इस दौरान हमने देखा यहाँ पर बजट पेश होने से पहले, क्योंकि आज बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले बजट को किस तरीके से हर आम जनता तक पहुंचाया जाए, उसके उसकी जो समझ है यानी कि उसकी जो सरलीकरण है उसका जो विस्तार है वो किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जाए, वो एक अभियान जो है पहली दफा इस बार देखा गया कि वो भी शुरू किया गया सरकार द्वारा। जी बिल्कुल अंजलि, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की तरफ से है, चाहे वो बजट जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बजट को लेकर लोगों को समझाया जा रहा है, चाहे वो बजट हो चाहे सरकार की योजनाएं हो, बीजेपी सरकार की तरफ से जो उनके तमाम कार्यकर्ता है हर राज्य में उनकी तरफ से विशेष कैंपेन इस तरीके का चलाया जाता है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, जो सरकार की योजना है उनका लाभ सीधे तौर पर सरकार को पहुँचाया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बजट पर ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो किसान कल्याण योजना हो चाहे वो गरीबों के लिए जाने वाली योजना है, उसमें कुछ चेंजेस इस बार संभावनाएं जताई जा रही है अंजलि की किए जा सकते हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को गरीबों को राहत पहुंचाई मतलब एक विशेष तौर पर एक पैकेज दिया जा सकता है कि क्योंकि कोरोना संकट में हमने देखा कि जो किसानों को काफी मार झेलनी पड़ी थी, किसानों के लिए एक विशेष ऐलान भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें भी थोड़े बदलाव की उम्मीद अंजलि जताई जा रही है कि ताकि जो उद्योग जगत है उनको भी थोड़ी राहत मिल सके। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी मांग यहाँ पर उद्योग जगत की तरफ से है कि टैक्स में जो छूट है वो यहाँ पर दी जाए, हालांकि टैक्स स्लैब में किस तरीके के कोई बदलाव यहाँ पर किए जाते हैं या नहीं ये जरूर होगा, क्योंकि क्रांत हमने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना और उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि जो विपक्ष है उससे भी अपील की है कि जो बजट सत्र है वो सुचारू ढंग से चले, ये अपील भी की गई है एक स्वच्छ वातावरण में, और साथ ही ये भी कहा कि चुनावों का किसी तरीके का असर जो है वो बजट पर ना पड़े। अब ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है या ये कहे कि एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत यहाँ पर दिए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते दिन अपील की गई थी कि जो बजट सत्र है वो सुचारू रूप से चले, सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, और क्योंकि जिस तरीके से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी फिर कल से बजट के ऊपर जो चर्चा है वो विपक्ष की तरफ से जो सवाल जवाब होंगे सरकार उसके जवाब देगी, और 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सदन में अभिभाषण रहेगा, वो जो विपक्ष के तमाम सवाल हैं उन पर जवाब देंगे, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो विपक्ष से बस यही अपील की जा रही है कि जो सवाल उनके होंगे सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ अंजलि हम आपको ये भी बता दें कि जो इस बार का बजट है वो विशेष तौर पर अलग से देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना संकट हो अर्थव्यवस्था को जो अर्थव्यवस्था की हल्की जो रफ्तार की धीमी पड़ी थी उसमें किस तरीके से गति लाने की कोशिश की जाएगी वो निर्मला सीतारमण के लिए अहम चुनौती, क्योंकि कोरोना संकट के समय में हमने देखा है कि लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, किस तरीके के प्लान्स जो इस बजट में पेश किए जा सकते हैं कि भाई चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्यमी हो उनको किस तरीके की राहत पहुंचाई जा सकती है, साथ ही साथ इनकम टैक्स हो, तो तमाम ऐसी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांत इस तमाम जानकारी के लिए।